हिंदी हमारी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी हमारी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। मेरा नाम यामिनी है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं तुम्हें हिंदी के बारे में कुछ बताऊंगी। हिंदी भाषा के प्रचार व उसके उपयोग के लिए, प्रोत्साहन के लिए और समर्पित एक दिन यानी हिंदी दिन 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को पूरे भारत में हिंदी दिन मनाया जाता है। वर्ष 1975 में 10 जनवरी से पूरे भारत में विश्व हिंदी दिन मनाया जाता है। देश की ऊंची शान करे हम हिंदी में काम करे। जन जन को मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। कोई पूछे वो कैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है। विश्व में बोल जाने वाली भाषा में हमारी हिंदी भाषा तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अंग्रेजी और दूसरे नंबर पर चीनी है। 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार आज, अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों का समावेश किया गया है। हिंदुस्तानी है सती हिंदी। हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता और अनुपम की परछाई है हिंदी। हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिन के उपयोग के दिन रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में सृजनपति तिवारी ने जनमानस की भाषा कहा था और उसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा गया था। 14 सितंबर 1949 में असंविधान सभा में एक मत हिंदी को राजभाषा भी घोषित किया गया है। हिंदी के दिन लोगों को उत्साहित करने के हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है। हमारी एकता और अखंड ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हम है और हिंदी हमारी जुबान है। थैंक यू।